नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश मैकेनिक एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे पास KTM 200 ट्यूब मोटरसाइकिल आई हुई है जिसके आगे के सस्पेंशन लीकेज है। बाइक मेरे पीछे खड़ी है, आपको दिख रही होगी, तो फटाफट से मैं आपको गाड़ी के पास ले जाता हूँ और फिर दिखाता हूँ उसकी शॉकर लीकेज है और उसको हम खोलेंगे, उसको डिसअसेंबल करेंगे और उसको फिर किस तरीके से रिपेयर करें जिससे उसकी लीकेजिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो दोस्तों, ये रही बाइक और इसका मैं आपको शॉकर दिखा देता हूँ। ये यहाँ से लीक हो रहा है और इसी तरीके से दोस्तों इसका दूसरी तरफ का शॉकर भी लीकेज हो रहा है। ये देखिए दोस्तों, ये भी लीकेज हो रहा है। तो हम फटाफट से इसका शॉकर खोलते हैं और फिर इसको रिपेयर करते हैं। फाइनली हमने शोकर को बाइक से अलग कर लिया है। अब हम इसका ऊपर का 22 नंबर का बोल्ट है उसको लूज करके इसका ऑयल निकालेंगे। ऑयल निकालने के बाद 22 नंबर का बोल्ट के नीचे एक 19 नंबर का बोल्ट है, उन दोनों को चकनट को खोलेंगे। फिर इसकी 22 नंबर की कैप हटाएंगे। कैप हटाने के बाद इसका 19 नंबर का बोल्ट भी हटा देंगे और फिर इसकी जो मेन ट्यूब है जिसमें ऑयल सील लगी हुई है उसको कुछ इस तरीके से बाहर निकालेंगे। ये हमने इसको बाहर निकाल लिया। इसके बाद हम इसका ऊपर का डस्ट रबड़, जिसको बूट रबड़ भी कहते हैं, वो हटाएंगे। उसके बाद इसके नीचे एक ऑयल सील है, वो भी डस्ट प्रोटेक्शन का काम करती है, वो हटाएंगे। और लास्ट में हमारा इसका लॉक दिखने लग जाएगा। तो ये लॉक लगा हुआ है, इसको हम पिन पेचकस की मदद से कुछ इस तरीके से निकालेंगे। पहले इसका एक ग्रुप बाहर निकाल के इसको धीरे धीरे चारों तरफ से ऊपर कर लेंगे और ये बाहर आ गया है। उसके बाद हम इसकी मेन ऑयल सील, जो कि बड़े स्क्रू ड्राइवर की मदद से ऐसे इस तरीके से प्रेस करके बाहर निकाल लेंगे। तो ये हमने मेन ऑयल सील बाहर निकाल ली है। इसके बाद इसमें इसके नीचे एक वॉशर है, वो भी निकालते हैं। अब हम इस पूरे शोकर को डिसअसेंबल करने के बाद कपड़े से करते हैं अच्छे से क्लीन और फिर इसमें नई सील इंस्टॉल करेंगे। तो ये हमने सील ली, उसके बाद इसके चारों तरफ थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे जिससे ये बैठने में आसानी हो जाएगी। और फिर इसको पहले वॉशर लगा के हाथ से पुश करके इसको बैठा देंगे जितना ये बैठ सकती है। उसके बाद दोस्तों इसका स्पेसिफाइड टूल लेंगे, जो कि मेरे पास नहीं है इसलिए मैं इस तरीके के पाइप का यूज़ करता हूँ। तो इस पाइप को लगाने के बाद मैं थोड़ा थोड़ा आमने सामने क्रॉस में चोट मारूंगा जिससे ऑयल सील बैठ जाएगी। और ऑयल सील बैठने के बाद कुछ इस तरीके का इसमें सरफेस दिखता है। तो ये ऑयल सील पूरी अच्छे से बैठ गई है। इसके बाद हम इसका लॉक लगाएंगे जो कि हमने निकाला था। तो ये मेन ऑयल सील इंस्टॉलेशन का काम हो चुका है हमारा। अब हम इसके ऊपर इसकी जो ऑयल सील होती है वो लगाएंगे। तो ये लॉक अच्छे से बैठ चुका है। अब इसकी ये जो डस्ट प्रोटेक्शन की जो मेन ऑयल सील है उसके अच्छे से कपड़े से क्लीन करने के बाद उसको अच्छे से बैठा देंगे इस तरीके से। फिर उसके बाद इसका बूट रबड़, जो कि काफ़ी डस्ट में हो रहा था, तो इसको भी पेट्रोल से या पेट्रोल से ना तो इसको कपड़े से अच्छे से साफ़ करके इसको बैठा देते हैं। अब इसकी हम मेन ट्यूब लेंगे, उसको भी अच्छे से कपड़े से क्लीन करेंगे। इसके बाद हमारा बॉटम इसमें बैठाएंगे कुछ इस तरीके से कि पहले उसको नीचे डालेंगे और फिर एक बार उसको वापस से ऊपर लेंगे और फिर वापस नीचे बैठा देंगे। तो ये हमारा नीचे के मेन ट्यूब ऊपर आ गई है और हम इसकी रॉड में 19 नंबर का जो चकनट का बोल्ट था वो खोलेंगे और वापस से इन दोनों बोल्टों को लगा के चकनट करेंगे। अब हम लास्ट में इसमें ऑयल डालेंगे, जो कि 400 ml डलता है। ऑयल डालने के बाद इसको कुछ इस तरीके से पंपिंग करेंगे कि ऑयल अच्छे से नीचे चला जाए। फिर उसके बाद दोबारा बचा हुआ ऑयल इसमें डालेंगे। अब इसमें स्पेस नहीं है तो हम इसको एक बार वापस से 22 नंबर के बोल्ट को लगा के इसको कसेंगे और बचा हुआ ऑयल डालने के लिए इसको इस तरीके से पंपिंग करेंगे जैसे गाड़ी में ये वर्क करता है। तो ये हम वर्किंग कर रहे हैं इसकी पंपिंग के साथ। तो ये अब इसको खोल के देखेंगे तो इसमें स्पेस हो गया है। तो अब हम वापस से जो बचा हुआ हमारा ऑयल था वो हम इसके अंदर अच्छे से रिफ़िल कर देंगे। ये इस तरीके से हम इसके अंदर पूरा का पूरा ऑयल डाल देंगे और फिर इसके बाद इसको कर देंगे चकनट, जिससे हमारा शोकर हो जाएगा रेडी। तो ये पूरा ऑयल डल गया। अब हम इसके 22 नंबर के बोल्ट को लगा देते हैं और इसको अच्छे से टाइट करेंगे लास्ट में गाड़ी में लगा के। अभी जितना हो सकेगा उतना हम कर देंगे और इसको इस तरीके से पंपिंग करके देखेंगे कहीं लीकेज तो नहीं है। तो ये कहीं से लीकेज नहीं है। तो ये था हमारा फर्स्ट शोकर रिपेयरिंग का काम। अब हम दूसरा शोकर लेंगे, उसको भी इसी तरीके से 22 नंबर के बोल्ट को हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इसका 19 नंबर का बोल्ट चकनट लूज़ करके इसको दोनों बोल्टों को अच्छे से अलग कर देंगे।
तो ये 22 नंबर का हटाया, उसके बाद ये 19 नंबर का बोल्ट था वो हम हटा देते हैं। इसके बाद इसका ऑयल एक कैन में निकालेंगे। ऑयल निकालते समय इसको थोड़ी सी देर के लिए हम कैन में रख देंगे, जिससे बचा हुआ सारा का सारा ऑयल इसके अंदर निकल जाएगा। और फिर इस तरीके से पंपिंग करेंगे। अब हम इसके शोकर को लेंगे वापस से। ये ऑयल हमारा निकल गया, जो कि काफ़ी कम निकला है क्योंकि इसमें 400 ml डलता है ऑयल। अब हम इसकी शोकर को सीधा करके इसकी मैन ट्यूब को बाहर निकालेंगे। इसको बाहर निकालने के बाद इसका वापस से बूट रबड़ बाहर निकालेंगे, और बूट रबड़ निकालने के बाद इसकी एक डस्ट की ऑयल सील है, उसको भी स्क्रू ड्राइवर की मदद से आराम से निकालना है। फिर इसका लॉक पिन पेचकस की मदद से अच्छे से निकालना है। फिर इसके बाद मैन ऑयल सील, जो कि हम बड़े स्क्रू ड्राइवर की मदद से इस तरीके से बाहर निकाल लेते हैं। लास्ट में इसका वॉशर, वो भी निकाल के इसको आप पूरे शोकर को अच्छे से कपड़े से क्लीन कर लेंगे, और इसकी ऑयल सील, मैन ऑयल सील, बूट रबड़ और लॉक और वॉशर को भी अच्छे से क्लीन कर लेंगे, और फिर हम इसमें नई शोकर सील इंस्टॉल करेंगे। तो दोस्तों, इसमें साफ़ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखना होता है क्योंकि ये हाइड्रोलिक शोकर होता है, जरा सी डस्ट की वजह से ये लीक हो सकता है। तो ये वॉशर लगाने के बाद अब हम इसमें लगाएंगे नई सील। उसमें हमने लगाया चारों तरफ मोबिल, और ऑयल लगाने के बाद उसको हाथ से बैठा देंगे जितना ये बैठ जाएगी। उसके बाद इसका टूल लेंगे, पहले की तरह हम पाइप से इसको प्रेस करेंगे चारों तरफ आमने सामने क्रॉस में चोट मार के इसको बैठा देंगे। बैठने के बाद इसका कुछ इस तरीके से सरफेस दिखता है, तो ये लॉक की जगह ऊपर आ गई है। अब हम इसके अंदर लॉक लगाएंगे। लॉक को एक तरफ से पहले बैठाएंगे, फिर दूसरी तरफ से इसको बैठाने के बाद इसकी मैन ऑयल सील, जो डस्ट प्रोटेक्शन का काम करती है, उसको लगाएंगे। लास्ट में इसका बूट रबड़। तो ये हमारी ऑयल सील असेंबलिंग का काम कंप्लीट। अब इसकी मैन ट्यूब को साफ करेंगे कपड़े से अच्छे से, क्योंकि इसमें डस्ट लगी हुई होती है, क्योंकि ऑयल लीक के बाद मिट्टी जल्दी से पकड़ती है। ये साफ़ करने के बाद इसमें हमारे शोकर सील वाले पाइप को डालेंगे। पहले एक बार डाल के इसको हल्का सा ऊपर लेंगे और फिर वापस से इसको बैठा देंगे। इस तरीके से करने से सील अच्छे से बैठ जाती है। फिर इसका एक वाशर था रबड़ का, वो निकल गया था। हम वो डालने के बाद इसका 19 नंबर का वापस से बोल्ट लगाएंगे, फिर 22 नंबर का, और दोनों को पहले की तरह अच्छे से चकनट कर देंगे। और फिर इसमें लास्ट में डालेंगे हम ऑयल, जो कि 400 ml डलता है। तो इसमें जितना ऑयल एक बार में डल जाएगा, उतना डालने के बाद इसके पाइप को ऊपर लेके फिर से ऑयल डालेंगे। जब इसमें स्पेस ना बचेगा तो हम इस शोकर को इस तरीके से वर्किंग करेंगे जिससे इसमें ऑयल नीचे चला जाएगा। लास्ट में अगर हमारा ऑयल बचता है तो हम इस नट को कस के इस शोकर को पंपिंग करेंगे, जिससे ऑयल पूरा अच्छे से नीचे चला जाएगा। फिर उसको वापस से खोल के इसके अंदर बचा हुआ ऑयल हम रिफिल कर देंगे। कुछ इस तरीके से ऑयल डालने के बाद ये हमारा शोकर रेडी है, और लास्ट में ये ऑयल पूरा कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि दोस्तों इसमें ऑयल पूरा ही डालना चाहिए। और फिर 22 नंबर का बोल्ट लगाने के बाद इसको करते हैं टाइट, और फिर शोकर को हमने वर्क करके देखा, ये हमारा लीकेजिंग बिल्कुल सॉल्व हो गई है। तो देखा दोस्तों किस तरीके से हमने KTM Duke 200 के आगे के सस्पेंशन को रिपेयर किया, उसमें नई शोकर सील इंस्टॉल करी, और साथ में उसमें शोकर का ऑयल भी नया डाला। और इसी तरीके से दोस्तों KTM की 200 RC 390 डोमिना और जितनी भी सुपर बाइकें वगैरह आती है, उनके सस्पेंशन हाइड्रोलिक होते हैं, उनको इसी तरीके से रिपेयर करते हैं। और दोस्तों मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद इसलिए था जिससे ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो मैकेनिक बाइक लोग देख सके और इन गाड़ियों को काम करने के लिए वो मना ना करें और इनके सस्पेंशन को और इनको रिपेयरिंग के काम को आसानी से कर सके। और दोस्तों आगे भी इसी तरीके की नॉलेजफुल वीडियो हम लेके आते रहते हैं। चाहेंगे दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय।